नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं स्टार 70 वीडियोस खबर सोनभद्र से। शक्तिनगर ज्योति इंजीनियरिंग द्वारा प्लांट में कार्यरत मजदूरों का किया जा रहा शोषण। एनटीपीसी अधिकारी व ठेकेदार मुंशी पर संविदा मजदूरों ने लगाए गंभीर आरोप। सोनभद्र जिले के ऊर्जांचल स्थित शक्तिनगर परिक्षेत्र अंतर्गत पावर प्लांट में कार्यरत संविदा मजदूरों ने मुख्य महाप्रबंधक से गुहार लगाई है कि संविदा कंपनी ज्योति इंजीनियरिंग के मुंशी व एनटीपीसी के सीनियर मैनेजर की मिलीभगत से उनका शोषण किया जा रहा है। विगत लगभग दो वर्षों से संविदा कार कंपनी के मुंशी द्वारा उनकी सैलरी से टीएफ का 24% मनमाने तरीके से उगाही की जा रही थी, जिसका विरोध करने पर नौकरी से निकालने की धमकी मिल रही है और तीन संविदा मजदूरों को बाहर का रास्ता दिखा दिया गया है। सहायक श्रम आयुक्त प्रयागराज को भी मजदूरों ने प्रतिलिपि प्रेषित कर उक्त प्रकरण की जानकारी दी। मजदूरों से एनटीपीसी के सीनियर मैनेजर व ठेकेदार के मुंशी के माध्यम से 24% का पैसा पिछले दो वर्षों तक लिया गया। उक्त पीओ के तहत मजदूरों का ना तो बोनस, लीव, मेडिकल दिया जाता है और ना ही गुड़ वर्दी दी जाती है, जिसकी शिकायत लेकर मजदूर जब सीनियर मैनेजर रसायन विभाग के पास गए तो मैनेजर साहब मजदूरों पर भड़क गए और बोलने लगे कि तुम लोगों को ड्यूटी से निकाल दूंगा, और बाद में तीन लोगों को निकाल दिया। मैनेजर साहब गुस्साते हुए मजदूरों से बोले कि जहां जाना हो जाओ, मैं जहां से आया हूँ वहां मैंने बड़े बड़े नेता व बहुत यूनियन गिरी अफसर शाही देखी है, मेरा कोई कुछ नहीं कर पाएगा, मैं तुम सारे लोगों को दो दो तीन तीन करके ड्यूटी से सभी को निकाल दूंगा, जहां जाना है जाओ देखते हैं। सभी व्यक्तियों द्वारा प्रशासन से निवेदन किया गया कि इस प्रकरण को संज्ञान में लेते हुए हम लोगों के साथ न्याय किया जाए। स्टार 7 टीवी न्यूज की कवरेज, रोशन शर्मा की रिपोर्ट। क्या समस्या है आपकी? नौकरी से निकाला जा रहा है, 24% लिया जा रहा है, लीव बोनस और मेडिकल कुछ नहीं मिल रहा है। कहाँ कार्य करते हैं आप? नगर एनटीपीसी पावर प्लांट। कितने दिनों से कार्य कर रहे हैं आप लोग? 8 साल से। क्यों निकाला जा रहा है, क्या कारण है? अपने आदमी लगवाना चाहते हैं, हम लोगों को जो है रोजगार चाहते हैं, हम लोगों का कोई सहारा नहीं है, नहीं है, कुछ नहीं है, पैसा नहीं है, नया टेंडर हुआ है उसमें हम लोगों को नहीं रखा है। 15 दिन में हम लोग 24% देते गए, बोला पसंद दिया गया था, आप लोगों को रखा जाएगा, कोई पता नहीं, दिक्कत नहीं होगा। क्या नाम है आपका? शुभम कुमार। क्या समस्या है? हमें एनटीपीसी में हम लोग बहुत दिन से जॉब कर रहे हैं यहाँ पर, तो हमें यहाँ से निकाला जा रहा है। जॉब से हमें 24% दिलाया गया है। हमको क्यों निकाला जा रहा है? निकाला जा रहा है कि अब आप लोग नहीं काम करेंगे यहाँ पर, आप लोग दूसरे लोग को नया भर्ती कर रहे हैं सब। हमें हम लोग में क्या गलती है बताया नहीं रहे सब, बस निकाल दिया जा रहा है। किस कॉन्ट्रैक्ट में काम कर रहे थे आप? ज्योति इंजीनियरिंग। किसके द्वारा, किसके माध्यम से आपसे पैसा लिया जा रहा था 24%? सचिन पांडे से और दिवेन साहब के द्वारा दिवाया जा रहा था। कितने वर्षों से आप काम कर रहे हैं? हमें करते हुए 4 साल हो गए। कहाँ रहते हैं आप? खड़िया बाजार। ये आप एप्लीकेशन अपने मर्जी से इस पे साइन किया, आपने पढ़ा है इसको? हाँ, मैंने अच्छी तरह से पढ़ा है और मैंने अपने मर्जी से साइन किया। क्या इसमें लिखी बातें सत्य है? क्या नाम है आपका? अंबिका प्रसाद चौबे। क्या समस्या है? नौकरी से निकाला जा रहा है। क्यों निकाला जा रहा है? अधिकारियों की जो है कि धांधली है, अपना आदमी लगाना चाहते हैं, 1,00,000 रुपया जो है कि लेकर के जो है कि बाय रिज्यूम जमा कर रहे हैं और हम लोगों को जो है कि निकाल रहे हैं। हम लोगों का जगह जमीन घर द्वारा सब एनटीपीसी चला गया है। 14-15 साल से हम काम कर रहे हैं, आज बोलते हैं कि तुम लोगों को जो है कि जॉब खत्म कर दिया गया और अपना अपना व्यवस्था देखो। अधिकारियों के पास जाते हैं तो बोलते हैं कि जो है विकास पांडे के पास कि हम जो है कि जहाँ जाना है जाओ, हमने वो जो है कि यूनियन गिरी, नेता गिरी और अफसर शाही देखा हो, मेरा कुछ कोई कुछ नहीं कर पाएगा। और हम लोग जो है पिछले दो वर्षों से 24% देते गए डॉक्टर देवेंद्र कुमार के कथनानुसार कि आप लोगों को अगले टेंडर में किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं होगा। और आप लोग देखते जाइए, ठेकेदार कम रेट में काम लिया है,
और आप लोगों को अगले टेंडर में रखा जाएगा। अभी जनवरी से नया टेंडर हुआ है 5-6 करोड़ का, उसमें हम लोगों को बोल रहे हैं कि कोई जगह नहीं, हम लोग कहाँ जाएँ जगह। अभी कोरोना काल के दौर में सब बेरोजगार हम लोगों को बना दे रहे हैं, इतने इतने लोगों को अवसरशाही है, तनाशाही है, अधिकारियों की है। NTPC में आपने किसी को NTPC में जो है हम लोगों ने मुख्य महाप्रबंधक PHR IR सब जगह एप्लीकेशन दिया, लेकिन अभी कोई सुनवाई नहीं होता है। और कौन परेशान कर रहा है? परेशान क्या, हम नौकरी से सीधे निकाल दे रहे हैं, परेशान ही हम भी अधिकारी विकास पांडे देवेंद्र सर हैं, परेशान थोड़ा जो है कि जान से ही मार दे रहे हैं। बेरोजगारी में बाल बच्चे तो सब मर जाएंगे, उनको हम लोग खुद जो है कि रोड पर आ जाएंगे। क्या नाम है आपका? सूरज कुमार। क्या समस्या है? समस्या ये, नौकरी से निकाला जा रहा है, 24% लिया जा रहा है, लीव बोनस गुड़ कुछ नहीं मिल रहा है। 24% अधिकारियों के माध्यम से विकास पांडे और देवेंद्र पांडे के माध्यम से सचिन पांडे मुंशी को हम लोगों ने 2 साल तक 24% दिया, और हम लोगों को बार बार यही बोला जा रहा है कि आप 24% देते रहिए, आपकी नौकरी बरकरार रहेगी। अब 24% भी दिए और बोल रहे हैं कि अब हमारे पास अमोनिया रोजी का टेंडर नहीं है, काम खत्म होने वाला है, आप अपना जगह देख लीजिए, आप अपना व्यवस्था देख लीजिए। तो हम लोग विकास पांडे सीनियर मैनेजर के पास गए, वहाँ पर अपनी समस्या ले जाने के बाद हम लोग उन्होंने बात किया वहाँ पे, तो विकास पांडे का कहना है कि हमारे पास कोई जगह नहीं है, आप लोग अपना व्यवस्था कर लीजिए, अभी आप लोग को धीरे धीरे करके सबको निकाला जाएगा, अभी हम 3 लोगों को निकाले हैं, तो इसमें सबका नंबर आएगा धीरे धीरे। और बोले कि हमारे पास कोई जगह नहीं है, तो सर हम लोग वहाँ से चले आए, और चले आने के बाद इस कोरोना काल के दौर में हम लोगों के पास कोई व्यवसाय नहीं, कोई रोज़गार नहीं, हमारा केवल एक ही माध्यम था, हमारा प्लांट यही एक रोज़गार था, जिससे कि हमारा परिवार का भरण पोषण कर रहे थे, अपना जीवन यापन चला रहे थे। इस कोरोना काल के दौर में सर हम लोगों को हर कोरोना काल के दौर में भी हम लोग ड्यूटी अच्छे से किए, और सेफ्टी का पालन करते हुए, सबको ध्यान में रखते हुए हम लोगों ने सुरक्षा के साथ ड्यूटी की, और हर एक लोगों की दूरी बना के रखे, तब पर भी हम लोगों को पूरे तरह 100% ड्यूटी करने के बाद भी आज हम लोगों को निकाला जा रहा है सर, हमारे पास कोई व्यवसाय, कोई रोजगार नहीं है, कोई रास्ता नहीं बचा सर। अगर NTPC प्रबंधक नहीं सुनता है तो उसके आगे क्या करेंगे आप? उसके आगे हम लोग NTPC प्रबंधक अगर नहीं सुनते, हमारी समस्या को नहीं सुनते हैं, तो हम लोगों को लेबर कमिश्नर के पास, SP DM के पास हम लोग आज्ञापन देंगे, सौंपेंगे, हम लोग अपनी मांग को वहाँ पे रखेंगे, इन समस्या को हम लोग वहाँ पे लिखित तौर पे देंगे।